हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आ गई हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर भात की रेसिपी। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान होता है। ये आपको खाने में बिल्कुल गाजर के हलवे की तरह ही लगता है, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि ये कितना सॉफ्ट और नर्म है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, लग रहा है ना बहुत ही यम्मी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। यहाँ पर हमने आधा किलो गाजर ली थी। गाजर के छिलके को निकाल कर उनको धुलकर कद्दूकस करके हमने यहाँ पर डाल दिया है और इसको इस तरीके से चलाते हुए हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। 5 से 10 मिनट इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने घी का यूज़ नहीं किया है और ना ही दूध का यूज़ किया है। इसको डायरेक्ट कढ़ाई में डाला है और इस तरीके से 5 से 10 मिनट तक मैं इसको सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी, ताकि इसमें जो भी पानी है वो उड़ जाए और ये जो गाजर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, पानी जो है वो धीरे धीरे सूख रहा है और जो हमारी गाजर है वो सॉफ्ट हो रही है। तो चलिए, जब तक गाजर हमारी सॉफ्ट हो रही है तब तक हम यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी एक पतीला। ये देखिए, मैंने एक पतीला लिया है यहाँ पर। उसमें मैं डालती हूँ एक कटोरी चीनी। एक कटोरी चीनी हम यहाँ पर डाल देते हैं और इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। यहाँ हम गाजर में डायरेक्ट चीनी को नहीं डालेंगे, चाशनी बनाएंगे पहले, क्योंकि हमें जो गाजर भात बनाना है, हलवा नहीं बनाना है, तो भात को थोड़ा सा जमाना होता है इस वजह से। तो यहाँ पर हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। ये देखिए, चाशनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं गाजर में थोड़ा थोड़ा करके चाशनी को डालूंगी, क्योंकि अभी हमारी जो गाजर है वो सॉफ्ट हो गई है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर चाशनी डालेंगे। जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उतना आप चाशनी का यूज़ कीजिएगा। और मैंने यहाँ पर आधा किलो गाजर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चाशनी डाली है, जितना इसमें ज़रूरत है। तो ये देखिए, चाशनी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब देखिए, चाशनी डालने के बाद ये जो गाजर हैं वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई हैं और इसमें से थोड़ा सा पानी निकल रहा है, तो इसको हम सुखा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने डाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। काजू और बादाम को हमने कट करके डाला है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाले हैं इलायची के दाने। चलिए अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गाजर में जितना भी पानी है उसे सुखा लेते हैं। तो ये देखिए, फटाफट बन जाता है। गैस को तेज भी रख सकते हैं, लेकिन इसको चलाते रहिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने 1/4 कटोरी यहाँ पर डाला है मावा। तो 1 कप होता है, 1 कप का जो चौथाई भाग होता है वही मैंने डाला है यहाँ पर। 1/4 कप मैंने यहाँ पर मावा डाला है, क्योंकि हम आधा किलो गाजर का यूज़ कर रहे हैं और मैं मावे की एक ऊपर से परत और बनाऊँगी इसके ऊपर, इसलिए मैंने अभी मावा कम डाला है। तो ये देखिए, हमने सभी चीज़ें डाल दी हैं, इलायची, ड्राई फ्रूट्स और मावा, और इसको अच्छे से पका लिया है। हमने दूध और घी का यूज़ नहीं किया है यहाँ पर। तो ये देखिए, हमारा जो गाजर भात है वो फटाफट से बनकर इसमें रेडी हो गया है। इसको लगातार चलाते रहना है और गैस को आप तेज भी रख सकते हैं, लेकिन लगातार चलाते रहिएगा, ताकि इसमें जो भी पानी होता है वो जल्दी से सूख जाए। तो ये देखिए, गाजर भात हमारा बनकर तैयार है। अब चलिए इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने 1/4 कटोरी यहाँ पर फिर से मावा लिया है और इसको हमने एक कटोरे में इस तरीके से फैलाते हुए इसको कटोरे में फैला लेना है अच्छे से। ये देखिए, मैं यहाँ पर मावे की एक परत सी मैंने यहाँ पर कटोरे में बना दी है और इसके ऊपर हम लगाएंगे गाजर भात। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने गाजर भात को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और इसको यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने गाजर भात को डाल दिया है और इसको अच्छे से फैला लेते हैं। जितना हमने मावा को बाउल में फैलाया था उतना ही हम गाजर भात को डाल रहे हैं यहाँ पर, और इसको अच्छे से फैलाते हुए इस तरीके से एक जैसा कर देना है।
तो बहुत ही आसान सी रेसिपी होती है ये गाजर भात की। अगर आप हलवा बनाने में आपको बहुत झंझट लगता है तो आप ये गाजर भात की रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो ये देखिए 5 से 10 मिनट हमने इसको सेट होने के लिए रख दिया था और अब हम इसको निकाल रहे हैं। तो ये देखिए हमारा गाजर भात बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको कट कर लेते हैं क्योंकि ये सेट हो गया है और अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी, इसको सर्व कर लेते हैं। तो जब भी आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपको गाजर का हलवा उनके लिए बनाना चाहिए, तो गाजर के हलवे में थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, इसलिए आप चाहें तो ये गाजर भात की रेसिपी बना सकते हैं जो बिल्कुल गाजर के हलवे का ही काम करती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये गाजर भात। तो कैसी लगी गाइस आपको आज की मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए मिलती हूँ फिर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।